हेलो दोस्तों, बचपन में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम में से कई को भी लेकिन यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये झुकाव किस प्रकार से है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने के प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार झुकी हुई है और साथ ही पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव एवं चुंबकीय ध्रुव की स्थिति को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं इस सौर मंडल में ही हमारे पृथ्वी की स्थिति है। अब अगर हम इसको पृथ्वी को यहाँ पर एक सेंटर माने तो ये पृथ्वी जो है ये एकदम अगर इसकी सीधी रेखा इस तरह से खींचे तो ये इस प्रकार नहीं रोटेट करती, यानी ये ऐसे एकदम नहीं रोटेट करेगी तरीके से। ये कुछ झुकाव जो है इसका, यानी अगर हम इसको इस तरह से बाइसेक कर लें तो झुकाव जो इसका है ये कुछ यहाँ से इस तरीके का, यानी ये जो इसका झुकाव है अगर आपको हम ये अगर आप देखें यहाँ से जो ये एंगल बनता है ये ही 23.5 डिग्री का एंगल बनता है इस एक्सिस एक्सिस है। आप देख तो ये 23.5 डिग्री इस तरह झुकी हुई है और इसका घुमाव कुछ इस प्रकार से है, यानी घूमती है ना कि इस तरीके, ठीक है। तो यही इसका झुकाव है। इसके आगे हम देखेंगे पृथ्वी का जो भौगोलिक ध्रुव है और जो चुंबकीय ध्रुव है उसके बारे में। भौगोलिक ध्रुव तो हमने पढ़ा है एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के बारे में, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये तो इसका हो गया भौगोलिक ध्रुव या ज्योग्राफिकल पोल। इसके अलावा पृथ्वी का एक मैग्नेटिक पोल होता है या चुंबकीय ध्रुव होता है जो कुछ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है उनसे थोड़ा सा दूरी पर होता है, डिस्टेंस पर, और ये दूरी एकदम स्थायी नहीं है, ये बदलती रहती है और ये कभी कभी पूरा का पूरा रिवर्स भी हो जाता है, ठीक है। इसको हम पूरा चुंबकीय के लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे भूगोल का जब लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकल पोल हो गया और ये नॉर्थ अपना चुंबकीय पोल हो गया, चुंबकीय ध्रुव हो गया। यहाँ पे इन दोनों में फर्क होता है। चुंबकीय ध्रुव होता है वो अस्थाई नहीं होता है, वो अस्थाई होता है, टेम्प्ररी होता है, ये बदलता रहता है। जो भौगोलिक ध्रुव है या ज्योग्राफिकल पोल है ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है या अस्थाई होता है, ठीक है।